लगभग 6 महीने से बंद हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात धार्मिक स्थल 10 सितंबर से खुलने जा रहे हैं। बड़े मंदिरों को खोलने का हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल में फैसला लिया है, जिसका स्थानीय पुजारियों, दुकानदारों, होटल मालिकों, रज्जू मार्ग प्रबंधन ने समर्थन किया है। लोगों को आस लगी है कि 5 महीने से बंद दुकानें, होटल और अन्य कारोबार फिर से शुरू होंगे और जिंदगी फिर से पटरी पर लौटेगी। लेकिन श्रद्धालुओं की आवाजाही को लेकर SOP भाषा एवं संस्कृति विभाग जारी करेगी, क्योंकि धार्मिक स्थलों पर ज्यादातर कारोबार श्रद्धालु एवं पर्यटकों पर निर्भर है। पर्यटक एवं श्रद्धालुओं के न आने से बाजार पूरी तरह से बंद है, सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन सरकार के इस निर्णय से दुकानदारों एवं कारोबारियों में फिर से आस जगी है। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर का विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में मंदिर न्यास ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। श्रद्धालुओं की आवाजाही को लेकर हालांकि भाषा एवं प्राचीन संस्कृति विभाग के द्वारा SOP जारी करना बाकी है, लेकिन मंदिर न्यास के द्वारा मंदिर क्षेत्र में तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मंदिर को सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आने जाने के लिए अलग अलग रास्तों का निर्माण किया गया है। मंदिर के मुख्य द्वार निकासी रास्तों पर मंदिर परिसर के अंदर सैनिटाइजर मशीनें लगाई गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को, स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धालु माता के दर्शन करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सके। 10 तारीख को जो श्री नैना देवी जी के जो मंदिर खुल रहा है, उसके लिए मंदिर न्यास श्री नैना देवी जी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। जगह जगह रास्तों में सैनिटाइज की बोतलें लगा रखी हैं और यात्रियों के लिए स्थान स्थान अलग अलग से गोले लगाए हुए हैं, जिसपे आराम से दर्शन कर सके। सरकार ने 10 तारीख से मंदिर खोलने का ऐलान कर दिया, तो हम जितने भी मंदिर सुरक्षा कर्मचारी हैं पूरी तरह से तैयार है। जैसे सरकार का आदेश मिलेगा, मंदिर की तरफ से आदेश मिलेगा, उसका सही तरीके से पालन करेंगे और सभी को शांतिपूर्ण दर्शन कराएंगे। जो नैना देवी हमारे 5 में से दुकानें बंद थी, जैसा कि सरकार ने जो निर्णय लिया कि 10 सितंबर से लेकर मंदिर खुलने, इस निर्णय का हम बहुत स्वागत करते हैं। इससे हमारे दुकानें भी खुलेगी और हमारा रोजगार भी मिलेगा।